4 करोड़ के सोने के सामान की चोरी की। डायल 112 नंबर पर गलत सूचना देने वाले अभियुक्त श्रवण तिवारी को कोतवाली थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1.5 लाख रुपए नगद स्वर्णकार, तपस के 2 बंडल, स्वर्णकार राकेश ज्वेलर्स के 1 बंडल सहित अन्य सामान किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के 30 जनवरी को होने वाले मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने जनपद के पुलिस कर्मियों के साथ की बैठक। कहा, मतदान को संपन्न कराने के लिए 3 सुपर जोन 10 जोन सहित बनाया गया है 24 सेक्टर। सभी मतदान केंद्रों पर SSB व पुलिस कर्मियों की लगाई गई है ड्यूटी। मतदान को करवाया जाएगा सकुशल संपन्न। चोरी की घटना कारित करने वाले संगठित गिरोह के 6 अभियुक्तों सहित एक बाल आबचारी को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की 11 मोबाइल, 7,700 रुपए नगद, 305 ग्राम नशीला पाउडर किया बरामद। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने किया खुलासा। SJPU और AHTU की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह की अध्यक्षता में हुई संपन्न। महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी विभिन्न दिशा निर्देशों के पालन आदि के संबंध में विस्तार पूर्वक की गई चर्चा। SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने दी जानकारी। नायब तहसीलदार सदर विकास कुमार की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, थाना समाधान दिवस में आए 2 मामले, मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए गए हैं निर्देश। जनवरी को हुई मोबाइल की छिनैती करने वाले अभियुक्त प्रिंस चौहान को कोतवाली थाने के पुलिस ने किया गिरफ्तार। SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने किया खुलासा। यातायात माह के अंतर्गत स्कूली बच्चों द्वारा यातायात जागरूकता रैली और नुक्कड़ नाटक का किया गया आयोजन। SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, यातायात नियमों को जन जन तक पहुंचाकर लोगों को किया गया जागरूक। सांसद खेल स्पर्धा महाकुंभ के अंतर्गत शनिवार को वॉलीबॉल, कुश्ती एवं हॉकी खेल प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों का रहा दबदबा। उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने खिलाड़ियों को दिया आशीर्वाद। गोरखपुर जनपद में अभी तक 1.5 लाख मीट्रिक टन धान की जा चुकी है खरीदारी। शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य का है 82%। 28 फरवरी तक होगी धान की खरीदारी। ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। एक महीने से रुके कोविड वैक्सीनेशन का कार्य रविवार से होगा फिर से शुरू। जिला अस्पताल को मिले 35,000 कोविशील्ड के वैक्सीन। अभी तक वैक्सीन का एक भी डोज नहीं लगवाने वाले लोगों को खोज कर किया जाएगा वैक्सीनेशन। एडिशनल CMO AK चौधरी ने दी जानकारी। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह को विशिष्ट BTC शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने दिया समर्थन। संगठन के जिला अध्यक्ष तारकेश्वर सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी।